संडे के दिन सोचो जल्दी उठ जाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, स्पेशली मेरे साथ। बाय द वे जो भी हो, मैं पी रही हूँ गर्म पानी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 75 हार्ड डे चैलेंज का 4th डे, तो और आज है संडे। तो पहले तो आप सबको हैप्पी संडे। और संडे है तो मैं जिम नहीं गई हूँ, तो आज मैं अपना इंडोर वर्कआउट छत पे करूँगी। और संडे था ना, तो कल मैंने रात में बहुत सारा हेयर ऑयल लगाया था, जिसकी वजह से मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। तो थोड़ा सा लिटिल ज़्यादा रोशनी हो गई है, तो ठीक भी है। सो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से अपना 45 मिनट का वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि फिर दिन में और चीज़ें टाइम टू टाइम होती रहें। तो चलिए करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ मैं अपनी वॉच में 45 मिनट वर्कआउट लगा रही हूँ। ये जो वॉच है ना मेरी, ये सुपर डुपर हिट है, स्पेशली फॉर अगर आप ऐसे फिटनेस रिलेटेड रहते हो तो ये तो आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। इसमें ना बहुत सारे मोड हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज मोड हैं कि आप क्या कर रहे हो उसी मोड पर लगा लो, और अलार्म है, क्लॉक है, एलेक्सा है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब जब से मुझे ये मिली ना, मुझे प्यार हो गया। मैं आपको हर जगह ये पहने हुए मिलती हूँ। तो मैंने आप 45 मिनट का टाइमर लगा लिया है और आप चलते हैं वर्कआउट करने। तो सबसे पहले मैंने वार्म अप किया। वार्म अप करने के बाद मैं स्किपिंग करूँगी, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज ऐसी होती है ना कि ओवरऑल बॉडी को टारगेट करती है। तो जैसे आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, आपका ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है कि आप पूरा वर्कआउट करो, तो अगर आप दिन में मॉर्निंग के टाइम पर स्किपिंग कर लेते हो 100 बार तो ये भी सही रहता है, एक हेल्दी उससे रहता है। लेकिन वेट लॉस के लिए इतना इनफ नहीं होगा। तो यहाँ मुझे मैं जंपिंग जैक कर रही हूँ। मैं इधर उधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे लिटिल थोड़ा सा लेट हो गया था, तो बगल में अंकल लोग कपड़े फैलाने आए, फिर मैंने अपनी जगह चेंज कर दी क्योंकि मुझे वर्कआउट तो अपना करना ही करना था। अच्छा, मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, मतलब अभी 15 मिनट बचे हुए हैं। जो मेरा वेस्ट वाला वर्कआउट था मैट वाला, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अभी मुझे ना क्रिस क्रॉस करना है और साइड लिफ्टेड करना है, वो करूँगी। उतनी देर में मेरा टाइम भी हो जाएगा 45 मिनट की वर्कआउट। पसीना देख रहे भाई साहब बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जिम में ना पंखा कूलर होता है ना, तो पता नहीं चलता है, पर ये वाला वर्कआउट ऐसे छत पे कर रहे हैं ना, बहुत गर्म लग रही है। तो चलो वो भी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बॉटल पानी भी एक मेरी कंप्लीट हो गई, और आज अभी एक ही हुई है। वैसे जिम जाओ तो दो हो जाती है, बट आज अभी एक हुई है। बट मेरा इंडोर वर्कआउट कंप्लीट हो गया है और एक बॉटल कंप्लीट होती है। अब जा रहे हैं नीचे, तो मुझे थोड़ा काम करना है, फिर बात लेना है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में मैंने किया मूंग दाल पनीर स्टफिंग चिल्ला या डोसा बोल सकते हैं। आफ्टरनून, आज 75 डे का 4th डे है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे 3 दिन बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए। मतलब मुझे ऐसे कोई भी खास दिक्कत नहीं लगी, तो आई एम सुपर एक्साइटेड कि आगे वाले दिन कैसे रहेंगे कैसे नहीं। और जैसे कि आज संडे है तो मम्मी घर पे हैं, तो यू नो मम्मी कुछ बनाएंगी अच्छा सा। तो आज ना मेरी फेवरेट चीज़ बन रही है, तो भूख से पहले मुझे भूख लग रही है। और आज ना ब्रेकफास्ट में भी बहुत अच्छी बना था, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बना था। ये मूंग दाल चिल्ला डोसा टाइप था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था गाइस, सच में बहुत टेस्टी था। खा के ना बिल्कुल से होता ना कि आप बाहर की चीज़ें खाते हो टेस्टी और एकदम से कट करते हो, तो फिर मन होता है कि नहीं यार कुछ तो अच्छा लगना चाहिए। और मैंने वो खाया ना, यार क्या यम्मी था। मैं इसकी रेसिपी पक्का आपके साथ 3-4 दिनों में शेयर ज़रूर करूँगी, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहना। और अभी मम्मी बना रही हैं कोई मस्त चीज़। मैं रेसिपी नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैं शावर ले रही थी, और आज ना मेरी दिन की एक ही बॉटल हुई है। जिम जाते हैं ना तो 2 बोटलें आराम से हो जाती है, पर मैं छत पे वर्कआउट कर रही थी आज, तो एक बॉटल लेके गए थे, तो बस वही इनफ हुई। और दिन के बज रहे हैं 1, सो अभी मैं अपनी दूसरी बॉटल फिल करूँगी एंड अपनी बुक रीडिंग करूँगी, ये चीज़ें कर लूँगी। और कल का वीडियो मेरा ना एडिट हो गया है, वॉइस ओवर करना है, शॉर्ट का ही वॉइस ओवर करना है, तो ये सारे काम मैं कर लेती हूँ जब तक मम्मी लंच रेडी कर देंगी, फिर लंच करेंगे। तो चलो फटाफट से ये सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि मेरा डे में कोई भी ज़्यादा, क्योंकि आज संडे है ना, और कोई भी गेस्ट आ सकता है, कोई मतलब कोई अचानक से आ जाए फिर उसके सामने सब चीज़ें ठीक नहीं लगेंगी। तो सोच रहे अभी टाइम है तो फिर अभी ये सब चीज़ें कर लेते हैं, ताकि मेरे दिन कि बाकी का टाइम बहुत स्मूथली जाए। तो आ जाओ।
आज के रीडिंग सेशन में मैंने पढ़ा है कि आपने सबको बोलते हो सुना था कि कॉपीकैट नहीं बनना चाहिए, पर कभी कभी कॉपीकैट अच्छा होता है। पर मैटर ये करता है कि आप किसको देख के क्या सीख रहे हो। किसी से देख के कुछ कॉपी करने में कोई ख़राबी नहीं, किसी की क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करने में कोई ख़राबी नहीं है, पर चॉइस आपकी है कि आप किसको देख के इन्फ्लुएंस होते हो और किसको देख के वो चीज़ें अडॉप्ट करते हो। सो फ्रेंड, खाना नहीं खाया अभी और मम्मी बुला रही हैं खाना खाने के लिए, तो मैंने इस बुक के अभी सिर्फ ओनली 2 पेजेस पढ़े हैं और बाकी के पेजेस बाद में पढ़ूंगी क्योंकि मुझे लगी भूख। मम्मी ने बोला खाना बन गया है और मैंने जैसे बताया आपको कि मेरी फेवरेट वाली बनी है चीज़, तो मैं जा रही हूँ, इसको रख देती हूँ, थोड़ी देर के बाद बाकी के पेजेस और पढ़ूंगी। और ये रही मेरी दिन की दूसरी बॉटल, सो ये सुबह एक हुई थी और एक ये थोड़ा सा पानी बचा हुआ, तो ये पी के मैं खाना खा लूँगी और बाकी की चीज़ें शाम को होंगी। तो वीडियो पूरा देखना। आज मतलब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि शायद मेरे टास्क में से कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी, पता नहीं, एक अंदर होता है कि कोई चीज़ भी प्रॉपर नहीं हो रही है। सुबह उठे, लेट उठे, तो सुबह लगा कि हमारा इंडोर वर्कआउट नहीं हो पाएगा, फिर हिम्मत बना के कि नहीं चलो देखते हैं करते हैं। काफ़ी लेट मैं छत पर गई और फिर वहाँ मैंने वर्कआउट किया, तो मेरा इंडोर वर्कआउट तो कम्प्लीट हो चुका है। फिर मुझे लगा कि अभी बुक पढ़ते पढ़ते मम्मी ने आवाज़ लगा लिया, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं बुक नहीं पढ़ पाऊँगी, पानी का इंटेक इतना ज़्यादा कैसे होगा। सो मुझे लग रहा था कि संडे के दिन ना कुछ ऐसा होगा कि अजीब होगा, पता नहीं, बहुत ज़्यादा अंदर से वो लग रहा है। तो शायद ये भी हो सकता है ना कि खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। तो खाना खा लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ आधे में है ना, और उसके पीछे इधर अंदर की तरफ रहता है। यार ये बहुत सुंदर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, मतलब हाँ ऐसे हैंगिंग टाइप बना हुआ तो कितनी प्यारी। काफी टाइम हो गया, मतलब हमने हमें ऐसा लगा कि वो वेटेड भी काफी है। अच्छा लग रहा देख के। अब पीछे घुमाओ जरा, गंजा। ये ऐसा लग रहा किसी के हेयर है, आगे फेस और पीछे हेयर। यहाँ पर फेस लाइक और देखो एक ही स्टेम है। हाँ, इसे थोड़ा इधर कर दो। नहीं टूट जाएगी। तो टूट जाएगी क्यों? हाँ शायद, देखो यहाँ पे स्टिक कर, तुमने सपोर्ट किया है ना इसका। हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इधर कुछ ज्यादा ही है। देखो इधर का वेट बहुत है, इसका वेट भी है अच्छा खासा। अच्छा टूट रहा है। और ये देखो तुलसी की सबसे बड़ी पत्ती, मैंने आज तक इतनी बड़ी पत्ती नहीं देखी। इसकी पत्तियां कुछ ज्यादा बड़ी निकल रही है मम्मी, देखो रामा है ना, रामा। पूरी 4 फिंगर की साइज की, बल्कि तुलसी की पत्ती मैंने छोटी छोटी देखी है। जस्ट लाइक ये, हाँ ये भी बड़ी में की है, जैसे ये वाली है। ये क्या, ये पालक? पालक भी लगा दी थी तुम? अरे मम्मी एक बार नहीं लाई थी, हमें लगा शायद अब ये जर्मिनेट हुआ। चलो भैया, ये तो पेड़ बनने के मूड में है, इसको तो पेड़ बनना है। उसे मतलब है बालकनी गार्डन। हाँ उसको कहीं आई वांट मैं पेड़ बन जाऊँ। हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है और आज ना मैं बहुत 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 ज़्यादा सोई हूँ। खाना खाने के बाद 3:30 बजे मैं एग्ज़ाम देने गई थी और उसके बाद मम्मी लगाई थी अपने सीरियल वगैरह, तो फिर हमने देखा नहीं, हम सो गए। और अभी उठे हैं 6 बजे, मतलब बहुत ज़्यादा वाला सोए हैं। और मेरे कुछ टास्क भी अभी पेंडिंग है जो कि मुझे करना है, यानी मैंने 3 लीटर पानी पूरा दिन में अभी तक पिया है, तो एक बॉटल भरनी है अभी अपनी, पानी पीना है। बुक्स की रीडिंग, जैसे मैंने सुबह बताया था आपको कि बुक्स की रीडिंग बची है तो बैठ कर पढ़ना है, और आउटडोर वर्कआउट बचा हुआ है तो वो करना है। उससे पहले चलते हैं किचन में, चाय बनाते हैं, ग्रीन टी या कॉफ़ी बनाते हैं, पीते हैं, थोड़ा सा एनर्जी लेके आते हैं, देन आफ्टर फिर लगते हैं अपने टास्क के लिए। इवनिंग में जॉगिंग में जाने से पहले मैंने पी अपनी ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है और मैं सो के उठी थी तो मुझे ये तो पीना ही पीना था। हे दोस्तों, अपना आउटडोर वर्कआउट कंप्लीट करने के लिए मैं आ गई हूँ वॉक पे, थोड़ी देर वॉक करूँगी फिर थोड़ा सा रनिंग करूँगी। सो चलो फटाफट से कर लेते हैं। दिल ना धक 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 धक, हार्ट भी बहुत ज़्यादा तेज हो गई है।
हे गाइस, घर आ चुके हैं और बहुत अच्छी वॉक हो गई है। 45 मिनट की तो उसमें टाइम था, लेकिन वॉक करते करते आज ना 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था। तो बस टहल रहा था, अच्छा लग रहा था, तो फिर टहलते रहे 1 घंटा हो गया। मस्त वॉक हो गई है और मेरा इसी के साथ आउटडोर वर्कआउट भी आज का कम्प्लीट हो गया है। ये रही मेरी 4th बॉटल पानी की, क्योंकि आज पानी का कंजम्पशन बहुत कम हुआ। सुबह लेट उठे और फिर 2 ही बॉटल पिया, फिर दिन में सो गए थे तो पिया ही नहीं। ये है मेरी 4th बॉटल, अभी 2 और बाकी हैं, मतलब 1 और बाकी है। और बुक में थोड़े से पेजेस बाकी हैं तो अभी वो पढ़ना है, तो अभी पानी पीते थोड़ी देर हवा बैठते। आज इतनी ज़्यादा गर्म थी ना कि पूछने की बात नहीं, बाहर का वेदर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। पर फिर भी टहलने वाले लोग टहल रहे थे, जो लोग वॉक पे आते हैं वो लोग थे, लोग कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज़ोरदार थी। घर आए हैं, अभी कूलर के सामने बैठे थे, थोड़ा सा अच्छा वाला फील हो रहा है। सो पानी पीते हैं थोड़ी देर में, फिर अपना डिनर करते हैं और फिर बुक रीडिंग करेंगे। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। फ्रेंड्स, कल है गुड़िया यानी कि नागपंचमी, और उस दिन सबके घर पे ये गेहूं बॉयल और चने बॉयल करके घुघरी बनाई जाती है। नाग देवता के लिए दूध निकाला जाता है, स्पेशली नीडी लोगों की हेल्प की जाती है और अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं। तो वही मम्मी ने मुझे ये ड्यूटी दे दी है कि तुम इसे साफ़ करके रखो। गेहूं में ना बहुत चीज़ें थे, कंकड़ थे और मिट्टी थी, और जिससे गेहूं निकलता ना उसका शेल वो भी था। ये और चने मैंने बिने, और ये है मेरी 5th बॉटल जो कि आज की लास्ट बॉटल है। और अभी बहुत टाइम है तो ये बहुत अच्छे से मैं पी लूँगी और आज के सारे टास्क मेरे होते हैं कम्प्लीट। और यहाँ मैं चने साफ़ कर रही हूँ। वैसे चने काफ़ी साफ़ थे, इसमें कुछ भी नहीं था और कुछ भी, एक भी दाना कुछ नहीं निकला, अच्छे चने थे। और मैंने ही थोड़ा ज़्यादा करके लिए हैं क्योंकि कल दिन सुबह का नाश्ता भी इसी से बनेगा, जो फ्राइड वाले चने बनते हैं ना वो बनेगा, और इसका पूजा में भी यूज़ हो जाएगा, तो मैंने थोड़े ज़्यादा ले लिए। हे गाइस, आज के सारे टास्क होते हैं कम्प्लीट। मेरा 5 बॉटल पानी भी हो गया, मैंने बुक रीडिंग भी कर ली और बाकी कुछ तो हो गया था। वीडियो शूट नहीं किया बीच में क्योंकि मेरा फ़ोन अपडेट पे लगा था, बट ये आज का दिन भी मेरा सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। कल है मंडे और वीक का फर्स्ट डे है, और कल जिम भी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कल के वर्कआउट में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सो गाइस, कल मिलते हैं day 5 के साथ, बहुत मज़ा आ रही है। day 4 तक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चीज़ें गई हैं और अब है कल day 5। कल कुछ न्यू भी है करने को मेरे पास, तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखना और आज के ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो पहली बार अगर आप हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ कल के ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए अपने परिवार के साथ।